हाय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू इंटेलिजेंस करियर इंस्टीट्यूट। एक बार फिर से सभी का स्वागत है हमारे बायो ब्लॉगिंग में। आज हमारे साथ हैं शिफाली, तो बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन बेटा, फ्लाई मैन ऑफ जेनेटिक्स किसे कहा जाता है? फ्लाई मैन ऑफ जेनेटिक्स टी एच मॉर्गन है ना। अच्छा, मॉर्गन साहब ने किस पे काम किया था? ड्रोसोफिला मेलानोगैस्टर पे काम किया था। इसकी जो रिप्रोडक्टिव साइकिल है वो कितने दिन की होती है? टू वीक। लाइफ स्पैन कितना होता है? टू टू थ्री डेज। नहीं, लाइफ, अगर लाइफ साइकिल 2 वीक्स की है तो लाइफ स्पैन कहते हैं 2 टू 3 डेज हो सकता है। इसका जस्ट डबल, ठीक है ना, 24 वीक्स यानी 28 डेज, ठीक है ना, 4 वीक 28 डेज की होती है। ये बताइए जो है जीनोटिपिक रेशियो डाई हाइब्रिड क्रॉस में क्या आया था? 1 to 1, 2 4 2 and 1 to 1 आया था, और फिनोटिपिक आया था 9 3 3 1, ठीक है। अच्छा ये बताइए जो है टर्नर सिंड्रोम में कौन सा क्रोमोसोम लॉस होता है? नहीं, कौन सा टूट जाता है? टी से टर्नर, टी से टूट जाता है 44 + X 0 यानी एक एक्स क्रोमोसोम लॉस हो जाता है, ठीक है ना, तो 45 बचते हैं। अच्छा डाउन सिंड्रोम में कौन सा? 21st डाउन सिंड्रोम, ट्राइसोमी हो जाती है ना, इसमें मोनोसोमी होती है। अच्छा ये बताइए जो है इसमें कौन सा चेंज आता है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में? मेल फीमेल बिहेवियर शो करने लगते हैं, वेरी गुड। अच्छा ये बताइए जो है सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है? उसमें सेल की जो शेप है वो सिकल शेप हो जाती है, जिसकी मतलब कि ग्लूटामिक एसिड वैलिन में बदल जाता है बाय द एडिशन दैट सब्स्टिट्यूशन ऑफ यू ऑन द प्लेस ऑफ ए, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, टोटल 574 अमाइनो एसिड होते हैं, ये बात याद रखिएगा आपको। अच्छा ये बताइए जो है इनकम्प्लीट डोमिनेंस में जो रेशियो आता है वो कितना आता है? जीनोटाइप रेशियो कितना? दोनों इक्वल आते हैं। अच्छा कोई एग्जांपल बताइए आप जो है। स्नैपड्रैगन और फोर ओ क्लॉक प्लांट और स्नैपड्रैगन एंटी रहिना मोना से याद रखिएगा, ठीक है ना, मेरा प्लीज जिलापा फोर ओ क्लॉक प्लांट एंटी रहिना स्नैपड्रैगन एंडोलिशियन, ठीक है ना, ये होते हैं, मोना से याद रखिएगा। आपको कोडोमिनेंस का एग्जाम्पल बता सकते हैं? कोडोमिनेंस ब्लड ग्रुप कौन सा? ए बी ओ ब्लड ग्रुप, कौन सा? AB O ब्लड ग्रुप, ठीक है ना, हाँ। अच्छा ये बताइए कितने फेनोटाइप होते हैं ब्लड ग्रुप में? फोर। और जीनोटाइप? सिक्स। और एलील? थ्री एलील, ठीक है ना, कौन कौन? AB O, ठीक है ना, IA, IB। अच्छा ये बताइए जो है डीएनए में थायमिन पाया जाता है यूरेसिल? थायमिन। तो एडिनिन थायमिन से कितने बॉन्ड्स जुड़ता है? डबल बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड होता है? हाइड्रोजन बॉन्ड। अच्छा ग्वानिन साइटोसिन से जब जुड़ता है किस बॉन्ड से? ट्रिपल बॉन्ड है हाइड्रोजन बॉन्ड। अच्छा ये बताइए जो है डीएनए जेनेटिक मटेरियल की तरह काम करता है, कौन सा एक्सपेरिमेंट सबसे सक्सेसफुल रहा? तो इसमें जो है क्या क्या लिया गया था? उन्होंने बैक्टीरियोफेज वायरस, बैक्टीरियोफेज लिया था जो इफेक्ट करता है बैक्टीरिया को वायरस, एंड आइसोटोप्स लिए थे फॉस्फोरस और सल्फर के। उन्होंने थ्री स्टेप्स होते हैं इन्फेक्शन,
ब्लेंडिंग एंड सेंट्रीफ्यूगेशन। क्या? सेंट्रीफ्यूगेशन, IBC याद रखिएगा, ठीक है ना। अच्छा ये बताइए जो है हाँ, लैक ओपेरान में ये जेड जीन क्या प्रोड्यूस करता है? बीटा गैलेक्टोसाइनेज। और वाई जीन? पर्मेज। ए जीन? ट्रांस एसिटाइलेज, ठीक है ना। तो याद है ना, ज़िया जेड वाई ए जब यहाँ पर, ठीक है ना, इसकी निमोनिक्स है आते इंतखार रुके जब यहाँ पर, आते यानी ए जीन, टी फॉर ट्रांस एसिटाइलेज, इंतखार यानी आई रुके यानी रिप्रेसर, आते इंतखार रुके जब, जब यानी जेड यानी बी, जेड बी जेड जीन बीटा गैलेक्टोसाइडेज, यहाँ पर यानी वाई यानी परमीज, ठीक है ना, ये मेरे ही नाम पे है तो याद रखिएगा, ऐसे आप याद कर सकते हैं, ठीक है ना। ये बताइए जो है स्प्लाइसिंग क्या होती है? स्प्लाइसिंग इज रिमूवल ऑफ इंट्रॉन्स दैट इज नॉन फंक्शनल जीन। और एडिशन ऑफ दैट ट्राई फॉस्फेट मिथाइल एडिशन ऑफ एक्सॉन। देखो एक्सॉन अच्छा, तो अच्छे को जोड़ना है, खराब को हटाना है ना, ऐसे याद कर सकते हैं आप लोग। ये बताइए जो है माइटोकॉन्ड्रिया का दूसरा नाम क्या होता है? पावर हाउस ऑफ द सेल। अच्छा, पेरोक्सिसोम क्या करता है? प्रोटीन्स। पेरोक्सिसोम, आप लोग भी बताइएगा जो है पेरोक्सिसोम में क्या क्या होता है, ठीक है ना। डिटॉक्सिफिकेशन में हेल्प करता है, H2O2 ब्रेक होते हैं, प्रोक्सीडेज एंजाइम होता है, कैटालेज एंजाइम होता है ना, और भी फंक्शन बताइए, फोटो रिस्पायरेशन की प्रोसेस में चलती है। अच्छा ये बताइए जो है ड्रग का एग्जांपल, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स में बाय मॉलिक्यूल्स में ड्रग कौन एंड DVC विनब्लास्टिन और करक्यूमिन, विनब्लास्टिन और करक्यूमिन। ये बताइए बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में टू किंगडम सिस्टम किसने दिया? लीनियस सर। फाइव किंगडम सिस्टम RHBTKR ने। आप बताइए मुझे फाइकोमाइसिटिस का एग्जांपल। नहीं याद। राम निमोनिक्स क्या है? राम राइसोपस एल्बिगो और म्यूकर, ठीक है ना। अच्छा ये बताइए जो है एल्गा सबसे पहले कहाँ पे आया? वाटर में, यानी मोस्टली एल्गा एक्वेटिक होते हैं। ये बताइए कौन सा एल्गा ऐसा है जो स्टोर करता है फूड एमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजन के फॉर्म? फ्लोरिडियन स्टार सिमिलर टू होते हैं हमारे को, रेड एल्गा है ना। अच्छा ये बताइए जो है एग्जांपल पेराइटल का बताइए, पेराइटल मार्जिनल का बताइए, पी होता है, और एक्साइल का टोमेटो और लेमन। अच्छा ये बताइए जो है हार्डवुड कंडक्ट करती है वाटर को कि नहीं? क्या डिपॉजिट हो जाता है सेंटर में? और याद रखना टारगो, टी फॉर टैनिन, ए फॉर एरोमेटिक सब्सटेंस, आर फॉर रेसिन, जी फॉर गम, ओ फॉर ऑयल्स अदर कंपाउंड्स, ठीक है ना। ये रेसिस्टेंट से क्या होती है? प्रिवेंट्स करती है, इन्फेक्शन नहीं हो पाते, रेसिस्टेंट टू इन्फेक्शन, माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसको अफेक्ट नहीं कर पाते है ना। अच्छा ये बताइए जो है टाइडल वॉल्यूम कितना होता है? टाइडल वैल्यू 500 ml। नॉर्मल जो हम लोग गैसेस एक्सचेंज कर रहे हैं पर मिनट, ये 500 एक ब्रीथिंग में, पर मिनट एक ब्रीथिंग में जो है 500 ml होती है। पर मिनट अगर निकालेंगे तो 12-16 बार सांस लेते हैं, उससे मल्टीप्लाई कर लेंगे आप। ये बताइए जो है मेडुल्ला रीजन क्या कंट्रोल करता है? मेडुल्ला रीजन कार्डियल, कार्डियोवैस्कुलर, रेस्पिरेटरी एंड
ओमिटिंग सेंटर, ये सब को। अच्छा ये बताइए लाइफ स्पैन बताइए आप करो का कितना होता है? करो पहला चैप्टर नहीं पढ़ा, पैरेट बताओ कितना होता है? नहीं बता करो, 15 इयर्स होता है पैरेट का, 140 इयर्स, ठीक है ना। लाइफ स्पैन क्या साइज पे डिपेंड करता है? नहीं डिपेंड करता है, ठीक है ना। जैसे देखिए पैरेट और क्रो में साइज लगभग सिमिलर है, लेकिन लाइफ स्पैन में बहुत बड़ा डिफरेंस है। अच्छा ये बताइए जो है ऑटोगैमी का एग्जांपल बताइए। ये तो कोमेलाइना जो आप बता रहे हैं ऑक्सेलिस, ये ऐसे होते हैं जिनमें दो टाइप के फ्लावर होते हैं, ठीक है ना, क्लेस्टोगैमस एंड चास्मोगैमस, ठीक है ना। ये ऐसे कॉमन पैंसी ये ऐसे हैं जो जिसमें दो तरीके के फ्लावर होते हैं, एक होते हैं क्लेस्टोगैमस और एक होते हैं चास्मोगैमस। क्लेस्टोगैमस कहाँ पाया जाता है? किले, किले में मतलब मिट्टी जमीन के अंदर होती है, और चास्मोगैमस इन्वायरमेंट में एक्सपोज होते हैं, ठीक है ना। अच्छा ये बताइए जो है लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया कहाँ पाया जाता है? मिल्क में। क्या करता है? हाँ दूध से दही बनाने वाला बैक्टीरिया। कौन से वाइटमिन ज्यादा होते हैं? वाइटमिन बी ट्वेल्व का दूसरा नाम साइनो कोबाला मीन, साइनो कोबाला मीन कहते हैं, है ना। अच्छा ये बताइए जो है पीसीआर के स्टेप बता सकते हैं? डिनेचुरेशन एंड एक्सटेंशन और टैपोलिनेशन यूज होता है, वेरी गुड। अच्छा ये बताइए जो है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक जो हम लोग करते हैं इसमें हम लोग क्या यूज करते हैं? अगर और देखने के लिए हम लोग कौन सी डाई इस्तेमाल करते हैं? इथिडियम ब्रोमाइड। कौन सा लैंप यूज करते हैं जो रेज डालते हैं? यूवी रेज। कैसा दिखता है? ब्राउन कलर, ऑरेंज कलर, ब्राइट ऑरेंज कलर। इथिडियम ब्रोमाइड ब्राइट ऑरेंज कलर, ऐसे मिलाया जाता है, ठीक। जब धीरस निकालते हैं क्या कहते हैं उसको? इल्यूशन कहते हैं। स्पूलिंग क्या? चिड़ लेते नॉन डालने के बाद जो प्रेसिपिटेट हो जाता है फिर उसके बाद सांस निकालना ना, उसको कहते हैं स्पूलिंग। अच्छा ये बताइए जो है बीटी टॉक्सिन जीन के बारे में बताइए, जो क्वेश्चन आने वाले हैं आप लोग तैयार रहिए इसके लिए। किस किस को मारता है? लेतु और कूल बी, ऐसे याद रखें लेतु और कूल बी। लेतु यानी लेपिडोप्टेरेंस, टोबैको बर्डवॉर्म, आर्मी वॉर्म, कोलियोप्टाइल्स, बीटल, है ना, और इंसेक्ट्स में फ्लीज, मॉस्किटो, ये सवाल। अच्छा ये बताइए जो है न्यूक्लियो पॉलीहेड्रो वायरस जीनस किसका है? बी से नाम है, हाँ। बैक्लो वायरस किस किस को मारता है? इंसेक्ट्स और आर्थ्रोपोड्स को मारता है, है ना। इंसेक्ट्स है ना आर्थ्रोपोड्स, इंसेक्ट्स में भी आर्थ्रोपोडा में तीन तरीके के डिवाइडेशन है इसलिए कहा गया। अच्छा ये बताइए जो है जो माइकोराइजल एसोसिएशन होता है इसमें कौन सा रिश्ता कहलाता है? ये रिश्ता कैसे क्या कहलाता है? सिम्बायोटिक एसोसिएशन और म्यूचुअलिज्म कहलाता है, और माइकोराइजल एसोसिएशन दोनों का फायदा होता है। जीनस कौन सा होता है? ग्लोमस। कौन सा मेनली कौन सा मिनरल एब्जॉर्ब करता है? नाइट्रोजन नहीं, मेनली फास्फोरस को एब्जॉर्ब करता है।
तो यही भी हमारा सेशन होता है खत्म। आप सभी लोग तैयारी करते रहिए, पढ़ते रहिए, ठीक है ना। हमारा बैच लॉन्च हो चुका है, फ्री ऑफलाइन क्रैश कोर्स जो है आप ज्वाइन कर सकते हैं इंटेलिजेंस कैरियर इंस्टीट्यूट में, जो 6 फरवरी से लॉन्च हो चुका है। सारे बच्चे आ सकते हैं, इसमें कोई फी नहीं है, कोई रजिस्ट्रेशन फी नहीं है। आप आइए, ज्वाइन करिए। और हमारा फाउंडेशन बैच 15 मार्च से शुरू हो रहा है, तो बहुत सारे पेरेंट्स, 2 साल का प्रोग्राम है, जो बच्चे 12th का एग्जाम दे चुके हैं उनके पेरेंट्स बिल्कुल जागरूक हो जाएं। वो हमारे 15 मार्च को जो बैच स्टार्ट हो रहा है हमारा फाउंडेशन बैच, जीरो टू हीरो का कॉन्सेप्ट, हम लोग 2 महीने बच्चों के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करते करते उनको हायर कॉन्सेप्ट की तरफ ले जाएंगे। तो ये बैच जरूर ज्वाइन करें वो बच्चे जो इस बार 10th का एग्जाम पास कर रहे हैं। पेरेंट्स बिल्कुल जागरूक हो जाएं, अभी से तैयारी करवाएं बच्चों को, ताकि बेहतर बच्चा जल्द ही जल्द अपने टारगेट तक पहुंचे, ठीक है ना। क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। ओके, बाय बच्चों।